यूपी में देवरिया हत्याकांड की चर्चा थम नहीं रही है। विपक्षी नेता लगातार यूपी की योगी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। मामले को लेकर सपा यूपी सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किए है। कभी शिवपाल तो कभी अखिलेश खुद मीडिया के जरिए सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूक रहे हैं। अब मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर नया पोस्ट आया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, देवरिया कांड में अगर किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो ये भी एक अपराध होगा। शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो वातावरण को तनाव मुक्त करे और ऐसा कोई भी काम न करे जो माहौल बिगाड़े। शांति की कोशिश का अंत किसी की हत्या या हत्या का प्रतिकार नहीं हो सकता और न ही ऐसी वारदातें किसी सत्ता के लिए सियासी फायदा उठाने का मौका होनी चाहिए। मतलब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार को सीधा मैसेज दिया है कि देवरिया हत्याकांड पर उनकी नजर है, कार्यवाही में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो सरकार के खिलाफ सपा बोलने से पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ से भी सरकार को कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ये सरकार न्याय नहीं दे सकती और जब सत्ता में बैठे लोगों की नियत ये न हो कि न्याय मिलना हो, जो घटनाक्रम हुआ है, जो अलग अलग जगह से जानकारी हुई या मुझे कार्यकर्ता नेताओं से जानकारी हुई या जो अलग अलग यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया में जो बात लिखी है या आई है, इसीलिए मैंने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उन्हें उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से ऐसी घटना घटी है। जिला पंचायत सदस्य पहले उनको मारा गया और अगर हम डीएम का पहला स्टेटमेंट मान लें, डीएम ने जो स्टेटमेंट दिया वहां का घटना होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि रिटेलिएट हुआ है कि एक घटना जब हुई और उसको देख करके परिवार के लोग आए और उसके बाद ये दूसरी घटना हुई, अगर इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है, छह लोगों की जान जाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार है और वहां के अधिकारी हैं। सरकार अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उस घटना से लाभ उठाना चाहती है। हम तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और दोनों परिवारों से मिलकर के जो सच है वो आपके सामने रखा जाएगा। अगर दोषी एक पक्ष है तो दोषी दूसरा पक्ष भी है। जो घटना हुई है सुनने में आ रहा है और सच्चाई आप भी जानते होंगे, जो घटना है वो भी जानते हैं कि जब जिला पंचायत सदस्य दूसरे पक्ष के घर पे गया तो पता नहीं किसने धार धार से उसकी गर्दन पे हमला कर दिया, दराती और जो गांव में सामान रहता उससे हमला कर दिया, जिसके कारण वहीं पर बेहोश हो गए। उसके बाद और दराती मारी गई जिसकी वजह से सुनने में आ रहा कि इतनी गर्दन पे मारी गई कि लोगों में ये रूमर फैल गया कि उनकी गर्दन काट करके उनकी हत्या कर दी। जब ये जानकारी दूसरे परिवार पक्ष को मिली तब उसमें आकर के घटना दूसरी हुई है। अगर कोई दोषी है इस घटना के लिए तो सरकार है, बीजेपी है और बीजेपी अगर चाहती है न्याय दिलाना दोनों परिवारों को तो ऐसे अधिकारी जो वहां पर थे देवन से और आज तक जिन्होंने इस घटना को बढ़ने दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए। मतलब साफ है कि अखिलेश घटना को लेकर सक्रिय है। उन्होंने देवरिया में सपा का डेलीगेशन भेजने की भी बात कही है। तो सवाल ये है कि कहीं अखिलेश देवरिया हत्याकांड को बड़ा चुनावी मुद्दा तो नहीं बनाने वाले।